अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज ही मैं आपके साथ पार्टी मेकअप शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम आइज़ की बेस बनाएंगे। तो मिस रोज़ कंसीलर से मैंने आइज़ की बेस बनाई है और उसके ऊपर बी क्यूट का हल्का सा पाउडर हमने लगाया है, कम्फर्ट पाउडर। अब हम डार्क कलर की ग्रीस लाइन बनाएंगे। आप अपनी पसंद से, अपनी ड्रेस के हिसाब से आप अपनी ग्रीस लाइन बना सकते हैं। हम जी डार्क कलर की ग्रीस लाइन बना रहे हैं। अच्छे से हम इसकी ब्लेंडिंग करेंगे। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा हमारा मेकअप होगा। बहुत आसान टेक्निक है, आप समझ के सीख के करें तो आप भी अच्छी तरीके से मेकअप करना सीख जाएंगे। डार्क कलर का मैं जी कॉर्नर बना रही हूँ। डार्क ब्राउन कलर का हमने कॉर्नर बनाया, उसकी भी अच्छे से हमने ब्लेंडिंग की है। अब जी मिस रोज़ कंसीलर से ही मैं इस आइज़ पर डी क्रिएट करूँगी। अगर मेकअप अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी आपका वीडियो के मुतालिक सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं कमेंट्स में, तो मैं आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगी। और जो लोग मुझे इतनी अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मैं उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अब जी मैं जो हमने डी ग्रेड की थी उसके ऊपर मैं गम लगा रही हूँ। ग्लिटर गम लगाने के बाद मैंने आई वन का ही मैं वाइट ग्लिटर वो लगा रही हूँ आइस के ऊपर। अच्छे से हम इसको आइस के ऊपर लगाएंगे। फिंगर की मदद से भी लगा सकते हैं आप इसको, हम ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। जैसे आप आसानी आपको आसान लगे आप लगा सकते हैं। ऐसे अच्छे से हम फिंगर से प्रेस कर देंगे इसको। अब जी हमारे पास जो हमने एक्स्ट्रा हमारी आई शेड लगी है वो हम मेकअप रिमूवर से कॉटन स्टिक की मदद से साफ़ कर देंगे और एक अच्छी सी शेप दे देंगे अपनी आईज़ को। और फिर हम बेस बनाएंगे। मैंने इसके ऊपर सिर्फ प्राइमर लगाया था बी क्यूट का। अब जी मैंने 45 स्टिक लगा रही हूँ, क्रेलॉन की 45 नंबर। अच्छे से हम नेक पे भी लगाएंगे, फेस पे भी लगाएंगे इसको। और उसके बाद ये मिस रोज़ की है फाउंडेशन एवी फेयर कलर। ये हल्का हल्का सा हमने एक कतरा लगाया। इसकी हम अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे। फाउंडेशन को अच्छे से हमने ब्लेंड करना है। अगर ज़रूरत होगी तो हम दोबारा ले लेंगे। एक ही दफ़ा हमने ज़्यादा सारा नहीं लगा देना, थोड़ा सा लेके हमने उसको अच्छे से पहले ब्लेंड करना है, उसकी अच्छे से बेस बनानी है, फिर ज़रूरत होगी तो हम और ले लेंगे। ये देखिए जी, अच्छे से हमने इसको स्टिक के साथ मिक्स करना है फेस के ऊपर ब्रश की मदद से। उसके बाद हमने स्पंज लिया है, स्पंज की मदद से अब हम इसको टैप टैप करके करेंगे, अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। ये देखें जी कितनी अच्छी बेस हमारी तैयार हुई। अब इसके ऊपर हम कंफर्ट पाउडर लगाएंगे बी क्यूट का, भर भर के हमने इसको लगाना है अच्छे से पूरे फेस के ऊपर। उसके बाद जी अब हम कंटूर करेंगे फेस को ऐसे अंदर की तरफ करके। हमें जिनको नहीं पता कि कंटूर कैसे करते हैं, वो इस तरीके से फेस को करके तो कंटूर कर सकते हैं। ऐसे ही हम नोज़ के हड्डी के ऊपर जो होती है हड्डी है नोज़ के ऊपर, उसके ऊपर हमने कंटूर करना होता है। आईब्रो के साथ जो नीचे की तरफ हड्डी आ रही होती है तो उसके ऊपर हमने कंटूर करना होता है। उसको अच्छे से हम कंटूर करेंगे। अब हम जी ब्लश ऑन लगाएंगे। सिसली का ये ब्लश ऑन है जो मैं लगा रही हूँ। अब हम आईब्रो केक करेंगे अच्छे से। इसकी आईब्रो नहीं बनी हुई थी तो इसकी हमने रिवाज का ये केक लाइनर है आईब्रो की, उससे हम इसको अच्छे से खुद शेप देंगे। अब जी ये मैं काशी का हाइलाइटर लगा रही हूँ, काशी का ही ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है, ब्रश भी बहुत अच्छे सॉफ्ट से ब्रश होते हैं इसके। अच्छे से हम फेस को हाईलाइट करेंगे।
अब जी मैं लाइनर लगाऊंगी, इधर से थोड़ी सी वीडियो हमारी स्लिप हो गई, तो अब पहले हम लाइनर लगाएंगे, उसके बाद हम आईलैश लगाएंगे। विंग आईलाइनर लगाना है जी हमने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल हो आपका वीडियो के मुतालिक तो आप कर सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। अब जी हम होंठों की शेप बनाएंगे। आज मैं ब्रश के साथ बना रही हूँ, आज मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, मिडोरा का 18 नंबर, मिडोरा की लिपस्टिक है जी, उसका 18 नंबर, बहुत ही प्यारा शेड है जी। इसकी हम आउटलाइन बनाएंगे और लाइट कलर की हम अंदर फिल करेंगे। 201 हम अंदर लगाएंगे, वो भी मिडोरा की होगी, और आउटलाइन हम 18 नंबर की बना रहे हैं। ये है जी हमारी मॉडल का फाइनल लुक, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अब बनाएंगे जी हम हेयर स्टाइल इसका। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।